सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आप सबकी आयुषी और आज मैं आपको दिखाऊंगी मेरा नवयुग कन्या महाविद्यालय का व्लॉग। तो ये है मेरा नवयुग कन्या महाविद्यालय जो बाहर से ऐसा दिखता है और ये है वहाँ के डिपार्टमेंट्स के टीचर। तो चलिए कॉलेज के अंदर एंट्री करते हैं। कॉलेज में था आज बच्चों का फ्रेशर्स, हम तो ऐसी डिग्री लेने जा रहे थे पर मैंने सोचा कि उन्हें व्लॉग बनाते हैं। ये है हमारे गार्ड भैया जो बहुत ही स्ट्रिक्ट है कि कभी भी निकलने नहीं देते हैं बच्चों को। जैसे ही हम लोग ने एंट्री की तो बच्चों ने हमें कलर ड्रेस के लिए थोड़ा सा टोका, पर फिर हमने उन्हें बताया कि हम पास आउट हैं तो उन्होंने कहा ठीक है दीदी, सॉरी आप जा सकती हैं। ये देखिए, ये है हमारा पूरा स्टार्टिंग में रिसेप्शन वाला एरिया। यहाँ पर देखिए कितनी प्यारी से रंगोली बनी थी और सब बच्चे तैयार थे। कुछ बच्चे फ़ोटो देख के समझ भी गए थे कि दीदी बना रही है व्लॉग, चलो इनको करते हैं हाय। सब बच्चे बहुत ही प्यारे लग रहे थे, इन सब बच्चों का फ्रेशर्स था। ये देखिए इधर है प्रिंसिपल ऑफिस। मैं प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर तो नहीं जाऊंगी, मैम के साथ किसी की मीटिंग चल रही थी, उसके बगल में है ऑफिस। और ऐसे ही मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ नवयुग में कितनी हरियाली है। ये मेरी फ्रेंड यास्मीन जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इकलौती फ्रेंड जो मुझे नवयुग से मिली। ये था ऑफिस, ऑफिस में टीचर्स कर रहे थे बात। यहाँ पे पूरा रेड कारपेट बिछा हुआ था, डेकोरेशन बहुत प्यारी सी हुई थी क्योंकि आज था बच्चों का प्रोग्राम। सब बच्चे फ्रेशर्स के लिए खूब अच्छे से सज धज के आए हुए थे। नवयुग दिखने में बाहर से तो बहुत छोटा लगता है पर अंदर बहुत ही बड़ा है। उसमें अलग अलग करके हर डिपार्टमेंट हर सेक्शन में बटा हुआ है। इस तरफ बीएड का डिपार्टमेंट है, इधर ये खाली एरिया, यहाँ पर बच्चे बैठे रहते हैं, धूप खाते हैं, कभी ऐसे ही बैठते हैं। ये बीएड की क्लासेस है, बीएड में यहाँ पर जो सेमेस्टर वो फर्स्ट ईयर वाले होते हैं उनके लिए सूट चलता है, जो सेकंड ईयर वाले होते हैं उनके लिए साड़ी चलती है। और यहाँ पे ऊपर जाने के लिए कई तरफ से रास्ते हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगी कैसे हमारा असेंबली हॉल पूरा सजा हुआ था फ्रेशर्स की पार्टी के लिए। जब हम लोग का फ्रेशर्स था तब तो ऑडिटोरियम में फ्रेशर्स अरेंज किया गया था, बट साइज इस बार बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा इसलिए नीचे किया गया है। नवयुग एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है जहाँ पर पढ़ के मैंने बहुत कुछ ही सीखा है। मुझे काबिल बनाने के लिए नवयुग का भी इसमें बहुत हाथ है। कहते हैं ना, एक टीचर अगर एक अच्छा टीचर मिले तो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, और नवयुग में बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। भैया लोग लाइटिंग और डेकोरेशन कर रहे थे, हम लोग 10 बजे ही पहुंच गए थे। इन लोग का प्रोग्राम 11:30-12 से था तो अभी डेकोरेशन चली रही थी। तो चलिए हम आपको पूरा अच्छे से दिखाते हैं हमारा नवयुग। इधर था टीचर्स के स्टाफ रूम और पीछे तक रूम ही रूम थे। वहाँ पे बच्चे जो पहले आ चुके थे वो तैयार भी हो रहे थे और जो सीनियर्स उन्हें पार्टी देने वाले थे वो सब अपनी स्किट प्रिपेयर कर रहे थे, कहीं कुछ कर रहे थे। कई बच्चों को मैं जानती थी जो मुझसे मिल के बहुत ही खुश हुए। और इस तरीके से हम लोग पूरे कॉलेज का व्लॉग बनाते हैं। इधर जाते जाते नवयुग में बहुत गलियाँ हैं। अगर स्टार्टिंग में जब आई थी तो मुझे बहुत कन्फ्यूज़न होती थी, मैं समझ ही नहीं पाती थी किधर से जाऊँ किधर से जाऊँ। बट बाद में रहते रहते नवयुग इज़ जस्ट लाइक माई फैमिली, एकदम मेरी फैमिली की तरह हो गया था। वहाँ के टीचर्स जैसे परिवार में मेंबर्स होते हैं उसी तरीके से हो गया था। सब लड़कियाँ चमचमाती हुई साड़ियों में बहुत ही चमक रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। इधर भी धूप में बैठने के लिए एरिया है, बच्चे यहाँ पे बैठते हैं। कुछ बच्चे समझ गए थे कि मैं व्लॉग बना रही हूँ तो वो सब बहुत ही एक्साइटेड हो गए थे कि मुझे बताइएगा अपना चैनल का लिंक ताकि मैं भी देखूँगी। इस रास्ते से हम लोग होते हुए यहाँ पर सब इधर आजू बाजू में दोनों तरफ क्लासेस है होते हुए हम आपको कैंटीन की तरफ ले चलेंगे। कैंटीन के साइड ही लाइब्रेरी है, नवयुग की लाइब्रेरी बहुत ही अच्छी है जहाँ पे आपको सारी बुक्स मिल जाती हैं। जैसा कि आज फ्रेशर्स था तो क्लासेस खाली थी, वरना यहाँ पे 10 बजे से ही क्लासेस भरी हो जाती हैं और टीचर्स के लेक्चर्स स्टार्ट हो जाते हैं। नॉलेज इम्पार्ट्स ह्यूमनिटी, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट कोटेशंस लिखे हुए हैं। तो ये है इधर हमारी कैंटीन एरिया। तो आज जैसा कि फ्रेशर्स था तो कैंटीन से खाना बनने वाला था, तो यहाँ पे भी बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी हो रही थी। इधर से भी ऊपर जाने का रास्ता है, ऊपर साइड में बीएससी और बीकॉम के एरिया है, नीचे बीएड बीए ये सब है। ये देखिए हमारी लाइब्रेरी, बाहर से लाइब्रेरी के अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, तो लाइब्रेरी के अंदर की मैं वीडियो नहीं बना के आपको दिखा सकती हूँ। बस मैं आपको दिखा सकती हूँ लाइब्रेरी कितनी बड़ी है और हर शेल्फ में बंडल ऑफ बुक्स भरी हुई हैं। यहाँ की टीचर्स हमें देख रही थी कि हम क्या कर रहे हैं लाइब्रेरी के पास फ़ोन लेके। डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस भी है जहाँ से आप बुक इशू करा सकते हैं, लाइक बीए वाले बच्चे यहाँ से कराएंगे, बीएड वाले यहाँ से कराएंगे, ऐसे करके भी डिवाइड किया गया है। तो हमने सोचा चलिए अब हम ऊपर चल के आपको ऊपर का सेक्शन भी दिखाते हैं। तो ये जो आप रूम देख रहे हैं यहाँ पर कंप्यूटर क्लासेस चलाई जाती हैं, ऐसे करके हम ऊपर गए। यहाँ पे भी बच्चे सब बातें कर रहे थे, तैयार हो रहे थे। यही सब था, आज कॉलेज में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। हम सब आए थे डिग्री लेने बट ऑफिस में कुछ काम चल रहा था इसलिए हम लोग को 5 मिनट वेट करने के लिए बोला, तो हमने सोचा क्यों ना जाते जाते नवयुग की मेमोरीज़ को कैद करते चलें। ये ऊपर क्लासेस हैं जहाँ पर बच्चों को सिलाई सिखाई जाती है, कंप्यूटर सिखाया जाता है, ऐसे करके डिफरेंट रूम बने हुए। नवयुग बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है, बस आप बाहर से देखेंगे तो अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि ये कितनी बड़ी बिल्डिंग है, क्योंकि तिरछा विरछा जहाँ पर भी जगह मिली वहाँ पर नवयुग बन गया है।
कुछ बच्चे पढ़ भी रहे थे, हमने आपको बताया ना, अगर पढ़ने वाला बच्चा यहाँ आ जाए तो वो बहुत अच्छे से सब कुछ गेन कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, यहाँ के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। ऐसे से करके हम लोग चलते हैं इधर बीएससी सेक्शन में, तो हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि हमारे सॉफ्ट बोर्ड पे कितने अच्छे से बच्चों ने डेकोरेट करके रखा है। बच्चे यहाँ पे क्रिएटिव बहुत हैं, बहुत ही पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशन होते रहते हैं, इसीलिए बच्चे बहुत ही अच्छे से बन के जब यहाँ से निकलते हैं ना तो उन्हें प्राउड होता है कि उन्होंने नवयुग से पढ़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे भी एक बच्ची पढ़ रही है, टेस्ट वेस्ट भी होते रहते हैं नवयुग में टाइम टू टाइम पे, इसीलिए बच्चे रिवाइज करते रहते हैं। ये देखिए यहाँ पे बच्चे देख के हमें बहुत खुश हो गए थे, और उन्होंने कहा था कि आप ब्लॉग बना रही है क्या? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, इसने हाई भी कर दिया। और यहाँ पे कोई क्लास होने वाली थी बीएससी की, तो यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे थे। इधर देखिए जियोलॉजी का डिपार्टमेंट है, ऊपर साइड में बीएससी का पूरा है, जियोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री ये सारा है। यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे थे, अपना उनका कुछ टेस्ट था उसकी तैयारी कर रहे थे, बाद में उन्होंने मुझे बताया था। और यहाँ पे बच्चे लैब में कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ये बच्चे खुश हो गए थे, इन्हें भी पता चल गया था कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ। और फिर उन्होंने बाद में कह ही दिया था कि दीदी हमें भी कैप्चर करो। यहाँ पे कुछ काम चल रहा था, बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे और बहुत ही एक्साइटेड थे। हमारे वहाँ डिपार्टमेंट वाइज फ्रेशर्स होता है, लाइक बीएससी वालों का अलग होता है, बीए वालों का अलग होता है, बीकॉम वालों का अलग होता है, इसीलिए बीएससी वाले बच्चे नीचे वाले बच्चों में इन्वॉल्व नहीं थे, और ऊपर की क्लासेस में पढ़ाई का एकदम माहौल बना हुआ था। ये यहाँ से हमारा ग्राउंड दिखता है, झूले वगैरह भी है, एक्सरसाइज के लिए कुछ झूले लगे हुए हैं, फिजिकल एजुकेशन वाले बच्चों के लिए लगे। इधर लैब थी, लैब का पोर्शन है, तो इधर थोड़ा सा लैब और पढ़ाई वाला माहौल है। ये सब जियोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री की लैब से वन बाई वन करके उन्हीं का ऊपर, जो उनकी जो टीचर्स हैं उनके स्टाफ रूम्स भी ऊपर हैं। ऐसे करके ये है हमारी नवयू की प्यारी सुनहरी बिल्डिंग। बिल्डिंग पे आप मत जाइएगा, पर यहाँ के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही हम्बल है, बहुत ही डाउन टू अर्थ है। कुछ टीचर्स तो मुझे अभी भी बहुत पसंद है और मैं उनके कॉन्टैक्ट में हूँ, मुझे अभी भी कोई दिक्कत होती है मैं उनसे शेयर करती हूँ ना, तो वो एक सेकेंड भी नहीं लगाते सोल्यूशन देने में, और बहुत ही प्यारे हैं जो हमेशा ब्लेसिंग्स ही दिया करते हैं, फिर चाहे वो कुछ भी हो। ये देखिए नीचे से पूरा हरा भरा हमारा कॉलेज, और उधर चल रही थी प्रिपरेशन फ्रेशर्स की। इतना ही नहीं, ये देखिए बोर्ड पे, या जहाँ पे कोई भी बोर्ड लगा होगा उसमें कुछ ना कुछ बना ही रहेगा। लॉकडाउन के बाद से थोड़े से पोस्टर्स कम लगने लगे, क्योंकि कंपटीशन थोड़े से ऑनलाइन पे हो गए थे, वरना तो आप देखेंगे ना यहाँ का कोई भी बोर्ड, सब बोर्ड की थोड़ी सी जगह भी खाली नहीं रहती है। ये देखिए ग्रीनरी, यहाँ की ग्रीनरी देख के तो मुझे आंखों में ठंडक आ जाती है। और उस तरफ जाके एकदम साइड में है हमारा फिजिकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट, जहाँ पे फिजिकल एजुकेशन की टीचर रहती है। ये देखिए आप यहाँ के बाहर के माहौल से ही समझ गए होंगे, डिपार्टमेंट लॉक था क्योंकि फ्रेशर्स की तैयारी हो रही थी यार। ये है हमारा हिंदी का स्टाफ रूम, जहाँ पे हिंदी के टीचर्स रहते हैं। ऐसे करके बहुत ही बड़ा है हमारा ये। चलिए अब हम नीचे उतरते हैं। ये हमारा ऑडिटोरियम है जो अभी लॉक है, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम होते रहते हैं, कोई वर्कशॉप होती है तो भी वो यहीं पे होती है। मैं और मेरी फ्रेंड यास्मिन जीने से उतर रहे हैं, पीछे से भी गेट है ऑडिटोरियम का उतरने का, आप वहाँ से भी उतर सकते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम होता है, किसी बच्चे को जाना होता है, तो पीछे से बैक डोर से निकल के आ जाता है। ये देखिए हम गए उधर से और आए इधर से हैं, हर तरफ रास्ते ही रास्ते हैं। यहाँ पे भी देख लीजिए आप, सब बोर्ड एकदम भरा भरा है, और कितना सुंदर कितना प्यारा बच्चों ने बनाया हुआ है। इस रूम में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, कंस्ट्रक्शन चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होता ही रहता है नवयुग कन्या महाविद्यालय में। ऐसी होती है हमारी क्लास, ये होता है हमारा पोडियम जहाँ टीचर बैठता है, और फिर उधर क्लास में बच्चे बैठते हैं। ये बच्चे भी कुछ डिस्कस कर रहे थे। और ये है हमारा साइकोलॉजी लैब। साइकोलॉजी और साइकोलॉजी के टीचर्स का मेरे ऊपर बहुत बड़ा योगदान है। मैं हमेशा साइकोलॉजी के टीचर सुनीता मैम, ज्योतिका मैम, सोनल मैम, सृष्टि मैम, सबकी बहुत आभारी हूँ। उन्होंने हमेशा हमें एक अच्छा इंसान बनना सिखाया है। घूम फिर के हम आ गए रिसेप्शन की तरफ, वो है प्रिंसिपल ऑफिस। इधर से हम गए थे और इधर से हम आ गए हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पोस्टर्स वगैरह लगे हुए हैं। मैंने उसे जब पूरी वीडियो बना ली है, चलो मुझे भी थोड़ा सा कैप्चर कर लो यास्मिन। तो यास्मिन ने कहा बिल्कुल, पहले मास्क तो हटा दो। मैंने कहा बिल्कुल क्यों नहीं। फिर इसने मास्क हटाया, थोड़ी सी मैंने भी कहा चलो थोड़ा सा कैप्चर हो जाते हैं। फिर मैंने कहा चलो घूम फिर के और रिसेप्शन वाली रंगोली पे आ जाते हैं। रंगोली के बाद मैं गणेश जी को कैसे भूल सकती हूँ। यहीं पे हम लोग बैग रखते थे अपना जब हमारा एग्ज़ाम होता था, और गणेश जी का आशीर्वाद लेते थे। इतना ही नहीं, ये था हमारा पूरा नवयुग कन्या महाविद्यालय, जो कि कई कोने रह गए, उनको मैं कवर नहीं कर पाई क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम था। और ये देखिए डेकोरेशन यहाँ पे हो रही है। ये हमारा रेड कारपेट एकदम बिल्कुल वैसा ही लगता है
कभी हम लोग को रील और वीडियो बनानी होती है तो हम इसी रेड कारपेट वाली जो एरिया है यहाँ पे नीचे पेंट भी रेड कलर का हुआ है इसी पे बनाते थे, दोनों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनती थी। लड़कियों का सेल्फी पॉइंट होता था ये। देखिए आप यहाँ पे कितनी प्यारी डेकोरेशन हुई हुई है, अभी भी हो ही रही है, अभी बच्चे आएंगे तब तक यहाँ पे चार चार चार। ये था मेरा नवयुग कॉलेज। उसके बाद मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं भी लास्ट में कुछ बोल देती हूँ, उसके लिए मैंने 2-3 टेक्स लिए क्योंकि मैं सोची थी क्या क्या कवर करूँ क्या क्या बोलूँ, आधे से ज़्यादा तो आपको बता ही चुकी हूँ। मैं इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रही थी और कहीं ना कहीं यास्मिन कह रही थी ऐसे नहीं ऐसे करके बोलो ऐसे नहीं ऐसे करके बोलो, तो इसके लिए मैंने सोचा मैंने 2-3 बार वीडियो ऑन करी 2-3 बार वीडियो ऑफ करी और फाइनली आखिरी में जाके एक अच्छी वीडियो बनी गई थी। फिर यास्मिन ने कहा मुझे भी दिखाओ, मैंने कहा तुमने तो ऐसी बुर्का पहना हुआ है तो तुम्हें कैसे दिखाऊँ मैं। यास्मिन बहुत ही स्वीट और हम्बल है, मेरी इकलौती फ्रेंड जो सेमेस्टर 1 से बनी थी और लास्ट तक चलती रही और अभी भी मेरी इससे बहुत दोस्ती है। इसकी फैमिली में मैं इसके घर भी जाती हूँ ना तो बहुत प्यार से इसके मम्मी पापा मुझे सम्मान देते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरा लास्ट वाला ऑडियो कैसे निकल के आया था। मैं बोल ही रही थी, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या क्या बोलूँ, मैं बहुत ही कुछ बोलती चली जाती हूँ, मेरी बोलने की आदत ही है बचपन से, तो मैं बोली 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 वो बोलती ही चली गई और मैं बहुत खुश थी बहुत एक्साइटेड। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी आयुषी और आज मैंने आपको वीडियो में दिखाया है मेरा कॉलेज जिसका नाम है नवयुग कन्या महाविद्यालय, जो कि बहुत ही अच्छा कॉलेज है। अगर आप अपनी बहन बेटियों को यहां पढ़ाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है, यहां पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव है और माहौल भी बहुत अच्छा होता है। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो वो बिल्कुल पढ़ सकता है और कोई नहीं पढ़ना चाहता तो आप उसको कहीं पर भेज देंगे पर वो नहीं पढ़ेगा। और ये है मेरी फ्रेंड यास्मीन जो कि मेरे कॉलेज के सफ़र में मेरी हमराही रही है। पर आज मेरे कॉलेज में फ्रेशर्स है, जाते जाते हम आपको उसकी भी झलक दिखा देते हैं। कॉलेज हमारा बहुत ही बड़ा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत सारे रास्ते हैं ऊपर नीचे जाने के लिए, तो वीडियो में शायद से आप कन्फ्यूज़ हो गए हो बट जो बच्चा यहाँ पढ़ने लगता है उसको कन्फ्यूज़न नहीं होती है। तो ये देखिए बच्चे जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं फ्रेशर्स प्रोग्राम की। हम तो पास आउट हो चुके हैं बट हमारा भी यहाँ पर बहुत अच्छे से वेलकम किया गया है। ये सब देख के पुराने हमें पल याद आ गए कैसे हमने 3 साल नवयुग में बिताए। और मेरे कॉलेज में ग्रीनरी बहुत है जिसको देख के मतलब किसी की भी आंखें ठंडी हो जाए, पढ़ने का माहौल बन जाए। हम सब स्टूडेंट्स यहाँ पे फ़ोटो खिंचाते थे, ये सब हमें याद आ रहा है अभी। बच्चे कुछ बच्चे मुझे जानते भी थे तो सब बता रहे और दीदी कैसी है आप, कैसा चल रहा है आपका चैनल, बहुत सपोर्टिव थे। मैंने चैनल भी यहीं से स्टार्ट किया था और आज मेरे चैनल पर 2.5K हो गए हैं जो कि मुझे बहुत खुशी है। यहाँ पे बहुत सारे मेरे सपोर्टर्स हैं, बहुत सारे मुझे इसलिए जानते हैं क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है। और ये देखिए जाते जाते हम आपको झलक फिर से दिखा देंगे, बच्चे तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे तैयार होकर आ रहे हैं। प्रोग्राम स्टार्ट होगा 11:30 से, ये सब तैयारियाँ चल रही हैं। हो सकेगा तो हम आपको लास्ट में भी वीडियो दिखाएंगे। अभी हम अपनी कुछ टीचर्स से मिलेंगे क्योंकि अब कॉलेज आए हैं तो टीचर्स से नहीं मिलेंगे तो क्या होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, कुछ और झलक आपको नवयुग की दिखाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय टाटा सी यू गाइस, बाय 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 बाय। फिर लास्ट में हमने सोचा कि जाते जाते एक बार आपको फिर से डेकोरेशन दिखा दें हमें फ्रेशर्स की। फिर हम मिलने के लिए टीचर्स स्टाफ रूम के पास गए, हम 2-3 टीचर्स से मिले, टीचर्स के साथ हम फोटो नहीं ले पाए, टीचर्स के साथ हमारी बातें हुई, टीचर्स ने हमें ब्लेसिंग्स दी हम फ्यूचर में अच्छा करें। और फिर यहाँ पे हमने देखा कि बच्चे कैसे कैसे प्रिपरेशन कर रहे थे, कुछ बच्चे बहुत ही खुश थे, कुछ बच्चे मुझे जानते थे तो वीडियो में आ रहे थे दीदी मुझे भी कैप्चर करो मुझे भी कैप्चर करो। बहुत सारे बच्चे तैयार होकर बैठे हुए थे, सब साड़ी पहन के आए हुए थे और बहुत ही सुंदर लग रहे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे सबके सब। इतना ही नहीं हर तरफ बच्चे ही बच्चे थे और बच्चे आते ही चले जा रहे थे। और फिर हमने देखा इधर देखिए झूले लगे हुए हैं, फिर मैंने सोचा चलो क्लास के अंदर चलते हैं तो देखा मैंने यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ बैठी हुई थी और सब तैयार हो रही थी, मैंने कहा चलो क्यों ही डिस्टर्ब करते हैं। फिर ये देखिए यहाँ पे हर सॉफ्ट बोर्ड में कुछ ना कुछ लिखा लगा ही हुआ है और बच्चे कुछ पढ़ रहे थे, कुछ बैठे हुए थे ग्राउंड में, कुछ खेल भी रहे थे। और इसी के साथ हमने आपको अपना नवयुग कॉलेज दिखाया, ऐसे होती है हमारी क्लास। स्टार्टिंग में इधर पोडियम होता है वो ऊंचा होता है और पीछे बच्चे बैठे होते हैं उनके लिए सीटें लगी होती हैं और सीटें इस हिसाब से लगी ताकि पीछे वाले बच्चे को भी आखिरी तक दिखे। और ये था हमारा नवयुग का ग्राउंड, सारी मेमोरीज हमें याद आ रही हैं। सॉरी। और ये देखिए यहाँ पे बच्चे सब तैयारी तैयार बैठे हुए हैं, मैंने सोचा सबको एक बार कैप्चर ही कर लेती हूँ। ये सब नए बच्चे थे, सब खूब अच्छे से तैयार होके आए थे और जल्दी ही आ गए थे, इन्हें लगा कि प्रोग्राम 10 बजे से शुरू हो जाएगा। सो बस ये था हमारा नवयुग।
ध्यान से देखिए इस लड़की को, पहचानिए ये है कौन। ध्यान से देखिए इस लड़की को और पहचानिए ये है कौन, जो सच तो ध्यान से देखिए इस लड़की को और पहचानिए ये है कौन, जो कमेंट में सही जवाब देगा उसको मिलेगा आयुषी से मिलने का मौका। ध्यान से देखिए, क्या आप इसकी आंखों से इसको पहचान सकते हैं? कमेंट में बताइए यस और नो। तो ये था हमारा छोटा सा व्लॉग जिसमें हमने आपको दिखाया नवयुग का पूरा टूर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा।